की सेवकाई में आपके चर्च में फिरेगा। आज बहुत सारे लोग जब आराधना कर रहे थे, पुकार रहे थे उसको, मैंने श्वेत कपड़ों में बहुत सारे स्वर्ग दूत आपके बीच में देखे। इस साल से आप इस भविष्यवाणी को सुनेंगे। आत्मा कहता है, प्रभु ने मुझे कहा भी कि इस डर से, आज के दिन से मैं तुम्हें आशीष देता रहूंगा। यीशु मसीह अपने हाथों को उठाओ और इसी समय ये प्रोफेसी रिसीव करने का टाइम है। ये टाइम अगर आपने खो दिया तो आप बहुत कुछ खो देंगे। ये गलतियां करते हैं बहुत सारे लोग, खोना नहीं। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर के सामने आज रिसीव करो। आपके लिए है या नहीं है लेकिन आपको नहीं पता, परमेश्वर आपके बीच में फिर रहे, वो आपको शांति दे रहा है, वो आपको देख रहे, वो आपको सुन रहे, वो हमारे बीच में, वो कुछ कहना चाहता है आपसे। ये साल आपके लिए हर चीज पाने का साल होगा। जो आपने रिश्ते, अनॉइंटिंग, घर, गाड़ी, बच्चे गंवा दिए थे वो फिर से आप पाओगे यीशु मसीह के नाम। जो बैंक का लोन, जो कर्जे, जो सच में आपसे सब कुछ छीन लिया गया, जो खुशी आपसे छीन ली गई, पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं इनके बीच में फिर कर इन्हें वापिस दे रहा हूँ। मैं तुम्हें वो शांति दे रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। जहाँ सूखा पड़ा तुम्हारी लाइफ में, घर में, फैमिली में, तुम्हारे संबंध में, तुम्हारे रिश्तों में कड़वाहट आ गई है, पति पत्नी के, बच्चों के, परिवार के, बिजनेस में, दोस्त के, भाई के, बहन के, परमेश्वर का आत्मा कह रहे हैं फिर से तुम मिठास देखोगे। जो सूख गया तुम्हारा खेत, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा लीवर, हार्ट, किडनिया, जॉब, कुछ भी, होली स्पिरिट बीच में घूम रहा है, वो कह रहा है तुम फिर से कर अपने शरीर में एक नई हरियाली देखोगे। आमीन। चंगाई की हरियाली देखोगे। आमीन। कर पूरे 90 दिन बीतने के बाद तुम खुशहाली को देखोगे। आमीन। हरियाली को देखोगे। आमीन। आत्मा ने मुझे कहा भी, कोई जन ये ना कहे कि मुझे कुछ ना मिला, वो पूरे साल सूखा रहेगा। ये भविष्यवाणी है उन लोगों के लिए। आपको यहां से निकलने के बाद यही कहना है, आज मैंने बहुत कुछ ले लिया है परमेश्वर से। परमेश्वर ने कहा पूरे साल वो मुझसे लेता रहेगा। अगर आप ढंग का बोल बोलते हैं तो परमेश्वर कहता है दोगे तो दिया जाएगा। अगर आप थैंक्स करना नहीं जानते किसी का तो परमेश्वर भी आपका थैंक्स नहीं करता। आप थैंक्स कर रहे हैं ताड़ी बजाकर, आपके लिए ये आजक अपने मुंह में भर कर लाया भविष्यवाणी को। आप थैंक्स कर सकते हैं, मेरा भी और मेरे प्रभु का भी, ताड़ियां बजाकर धन्यवाद कर सकते हैं। अबालाबा शबालाबा शबालाबा। आत्मा कहता है ये पादरी तुम्हारे लिए, प्रॉफिट तुम्हारे लिए रातों को जागता है, सोता नहीं है। जितने मेरे चेहरे को देख रहे हैं, मेरे चेहरे से, मैंने क्या कहा था गुड फ्राइडे के बाद, आप मेरे चेहरे से एक नई किरने देखेंगे। आमीन। क्या आपको महसूस हो रही है? आपको एक गवाही बनेगी। Yes, amen. आपको महसूस होगा परमेश्वर आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। अबालाबा शबालाबा शबालाबा। जो सर से प्यार करते हैं, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा इस साल में मैं उनके आंसुओं को पूछ डालूंगा यीशु मसीह के नाम में। तुम्हें रोना ना पड़ेगा फिर से। आमीन। तुम चीजों के लिए, जिन चीजों के लिए रो रहे हो, जिन चीजों के लिए तुम बार बार परमेश्वर के सामने रिक्वेस्ट भेज रहे हो, परमेश्वर का आत्मा कहना कि मैंने अभी इसी समय स्वर खोल दिया तुम्हारे लिए यीशु मसीह के नाम। तुम इस साल में डिफरेंट गवाहियों को सुनोगे। आमीन। मैंने फिर कह रहा हूँ, डिफरेंट गवाहियों को सुनोगे। आमीन। वो लोग डिफरेंट होंगे, डिफरेंट गवाहियां होंगी, जिनका आमीन ऊंचा होगा, तकड़ा होगा। हालेलुया की आवाज में दम होगा आपका। मैं फिर कह रहा हूँ कि एंजल में देख रहा हूँ। यस। आप रात को सोएंगे, कुछ लोग तकिए पर जाकर भी रोते हैं रात को सोने से पहले। जब आप प्रार्थना करेंगे, आपको परमेश्वर इस वर्ष में आपको दिखाएगा कि आपके आपके गाल पर कोई उंगली चला रहा होगा आपके आंसू पूछने के लिए। वो परमेश्वर के परमेश्वर होगा। आपको महसूस होगा
आप सो रहे होंगे, प्रार्थना करके वो कह रहा है, मेरा बेटा ऐ मेरी बेटी अपने दिल के दरवाजे को खोल। कह रहा मैं ईस्टर का दिन, जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं तुम्हारे आंसुओं को पूछने के लिए आया हूँ। आज रात आपके लिए लकी नाइट होगी। आप जब अपने बिस्तर पर सोएंगे, कोई आपके चेहरे पर उंगली लगा कर जाएगा, वो आपके आंसुओं को पूछ रहा होगा। कोई आपके बालों में हाथ फेर रहा होगा माँ की तरह, वो परमेश्वर है। विश्वास करना, आपको बहुत सारे ड्रीम्स आने शुरू होंगे आज। जो नेगेटिव नहीं, जो नेगेटिव ड्रीम देखते हैं, उनको आज से वो ड्रीम खत्म हो जाएंगे। आप पॉजिटिव ड्रीम, पॉजिटिव पॉजिटिव ड्रीम देखोगे। आप परमेश्वर के दर्शन करोगे। आपने जो 40 दिन ईमानदारी दिखाई है परमेश्वर के साथ, कह रहे परमेश्वर 40 साल आपके साथ ईमानदारी दिखाएगा। यह 40 साल आपके खुशखबरी के होंगे। क्या विश्वास करते हैं इस बात पर? आपने एक बार उपवास किया होगा, 3 बार, 10 बार, 40 बार। मूसा ने 40-40 बार 2 बार किया, लेकिन यीशु मसीह ने एक रोजा रखा जो 40 दिन के बराबर था। अगर आप एक दिन भी परमेश्वर को अच्छे से खुश किया है आज, तो मैं कह रहा हूं कि आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा इस साल के अंदर। आप विश्वास कर सकते हैं इस बात पर? मैं कह रहा हूं कि विश्वास करने वाले जो चर्च में खड़े हैं, एक दूसरे को बधाई दे दो, हैप्पी ईस्टर बोलो, ईस्टर मुबारक हो आपको। ये भविष्यवाणी आपकी जिंदगियों में पूरी होंगी, मेरा परमेश्वर आपके साथ होगा। अपने हाथों को उठाओ और बोलो, कन्फेस करो मेरे साथ, जो पिछले साल पिछले दिनों मैंने गवा दिया था वो वापिस पाऊंगा। फिर से बोलो, जो मैंने गवा दिया था वो वापिस पाऊंगा। मेरा घर, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मेरा परिवार, मेरी अनॉइंटिंग, मेरी अन्य भाषा, मेरा हर चीज, मेरा प्रार्थना करने का लेवल, मेरा ऊंचाइयों का लेवल वापिस आएगा। मेरा चर्च ग्रोथ करेगा, मैं वापिस पाऊंगा, मेरा नाम ऊंचा होगा, महान परमेश्वर मेरे नाम को महान करेगा, वो मेरे मस्तक को ऊंचा करेगा, मेरा सम्मान बढ़ाएगा, मुझे शांति देगा। इस साल में मेरे बच्चों को आशीषित करेगा, मेरे घराने को आशीषित करेगा, मेरे बिजनेस को आशीषित करेगा, मेरी हेल्थ को ब्लेस करेगा, मेरे हेल्थ को जवान करेगा, फिर से मेरी हड्डियां, मेरी नसें, मेरी मांसपेशियां, मेरी किडनी, मेरा लीवर, मेरा हार्ट, मेरे घुटने, मेरे नया बल पाएंगे यार, नया बल पाएंगे यार। मैं आशीष के लिए ठहरा दिया गया हूँ। बोलो, मेरी आशीषें जी उठेंगी, अपने पड़ोसी का हाथ पकड़कर झटक के बताओ उसको, क्योंकि मेरा यीशु जी उठा है, मेरा यीशु जी उठा है। अरे झटक के बताओ उसे, जब आम नहीं टूटता उसको तोड़ना पड़ता है, उसको झटकना पड़ता है। कई आशीषें ऐसी होती हैं, उसको झटकना पड़ता है। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो अगले साल आपको चिट्टे वालों पर काली मेहंदी नहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि परमेश्वर उकाब की नाई आपको नया कर देगा। आमेन। विश्वास करते हैं कि नहीं? यस। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो कि आप जैसे भी हैं वैसे भी सुंदर हैं। परमेश्वर ने आपको बहुत सुंदर बनाया है। आमेन। ये सच है, ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, परिवार के अंदर आप एक परिवार हैं। आपके चर्च में कुछ लोग चोर भेजते हैं, होली स्पिरिट ने मुझे कहा। कौन होते हैं वो चोर? वो यहूदा इस्करियोती वाले चोर। सुनते हैं, जो एलिशा के पास भी आए, ब्रांचों में भी सुन रहे हैं, वो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहे वो चोर भेजते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा किसी की नींव पर घर नहीं बनाना। समझ रहे हैं? आपका छुटकारा नहीं हुआ, आप आए आशीष लेने के लिए, लेकिन कुछ लोगों को मसीहत के रूप में, भेड़िए के रूप में शैतान भेजता है चर्चों में, और भेजकर बोलता है, कहता है यहाँ नहीं, वहां चल, वहां देख, यहाँ देख। परमेश्वर ने कहा यह अनॉइंटिंग प्लेस है, खासकर इस चर्च के लिए बोल रहा हूँ, जो इस साल अपना प्रेम इस मिट्टी के साथ बनाए रखेगा। Yes. मैं कह रहा हूं कि आज के बाद
ये भविष्यवाणी आप पूरी होते देखोगे। आमीन। आप जिस मिट्टी पर पैर लगाएंगे वो आशीषित हो जाएगी यीशु मसीह। आमीन। आपको बाहर के देश भागना नहीं पड़ेगा। आप इसी धरती पर इसी शहर में जहां भी आप रहते हो वहां पर आप अमेरिका के लोगों से ज्यादा कमाएंगे। आमीन। लिख लेना इस भविष्यवाणी को अप्रैल के महीने के बाद या मई के अप्रैल और मई के बीच में। This month is April. I don't know. March. Last day. April month is starting. First date. And May date. Good news. Amen. आपके लिए। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे बोला अमेरिका के लोगों के लिए गुड न्यूज नहीं है। उनके लिए 2 महीने 3 महीने तबाही का साल होगा। सुन रहे हो? बता देना उनको जितने अमेरिका जाते हैं और मेरी ब्रांच में नहीं जाते, उनको डराने के लिए भविष्यवाणी नहीं है ये। उनको बोल रहा हूं जो मेरी बात पर अमल नहीं कर रहे। मैंने क्या कहा था? आसमान में काप अंधेरा देखेंगे। बताया था नए साल पर, मैंने कहा था आपको दिन भी बताऊंगा, डेट भी बताऊंगा, मंथ भी बताऊंगा। अभी मेरे को यहां खड़े होकर दिखाया अप्रैल और मई कुछ होने वाला है। उसके बाद क्या था? मई के बाद अप्रैल मई जून कुछ होने वाला है। बहुत सारा अंधेरा, बहुत सारी उनकी फोन बंद हो जाएंगी, प्रॉब्लम आएंगी, उनको समस्याएं आएंगी। बहुत देश जो खासकर यूएसए और देश ऐसे जो बिल्कुल टापू के किनारे पर हैं, जिन्होंने अपना घर सस्ते के चक्कर में इंडियन ने जाकर वहां ले लिया है, भाग जाए वहां से 3 महीने के अंदर। आप तो न्यूज देखते ही हैं, न्यूज वाले बताएंगे तो आप पहले समझ जाना, वो बता देते हैं। लेकिन ये आफत ऐसी आएगी वो बताएगी नहीं, वो बिना कही आ जाएगी। लेकिन ये ईस्टर पर जो लोग इस समय लाइव सुन रहे हैं, अमेरिका के लोग भी, परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है, कहता कि आप जहां भी होंगे, करण कोई नदी तुझे डुबा ना सकेगी। Amen. कोई आग तुझे जुलसा ना सकेगी। Amen. क्योंकि तेरा परमेश्वर तेरी रक्षा करेगा। मैंने कहा था लोगों के बैंक में रखा हुआ धन नाश हो जाएगा। आपको पता लगेगा फॉरेन में बैंकों में प्रॉब्लम हो जाएगी। आप कहेंगे हम अच्छा था, इंडिया ही ठीक थे। नाओमी की तरह कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम होगी। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो लोग प्रभु में ईमानदारी के साथ बने रहेंगे, आज जिन्होंने ईस्टर पर परमेश्वर को कहा है कि तू मेरे घर में चल फिर, तू मेरे बिजनेस में चल फिर, हाथों को उठाओ बोलो परमेश्वर मेरे घर में चल फिर, मेरे घर में चल परमेश्वर, मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ। संडे के दिन, आज ईस्टर के दिन लेने के लिए आया हूँ परमेश्वर, मेरे बिजनेस में चल, मेरे परिवार में चल, मेरे बच्चों के जीवन में चल, चल फिर परमेश्वर, खड़ा ना रहे परमेश्वर, चल फिर परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं तू शांति दाता है, तू हमारे देश में जगह जगह पर, अमेरिका में क्या, हर देश में शांति दे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर तू अनुग्रह कर यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। आप विश्वास करते हैं परमेश्वर आपको जांच रहे हैं? सब लोग बैठ जाए अपने स्थान पर। जो लोग नई कार चाहते हैं वे एक छलांग लगाकर बैठ जाए। मैं नहीं लगाऊंगा आज क्योंकि मैंने कल ही ली है, थोड़े दिन पहले ली है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। मैंने बहुत छलांगे लगा ली हैं कई साल पहले। बोलो हालेलुया, बोलो जीतांगे जीतांगे जीत जावांगे, जीतांगे जीतांगे जीत जावांगे, जीतांगे जीतांगे जीत जावांगे, जीतांगे जीतांगे जीत जावांगे। बोलो यीशु मसीह की। विश्वास कर रहे हैं? जिनके पास बेटा नहीं, आज ईस्टर के दिन मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं।
क्या मैं बधाई दे सकता हूँ जिन जो इनके पास बेटा नहीं है, जो माँ नहीं बनी है, बनना चाहती है चश्मे वाली? हालेलुया। तो मैं आज आपको एक नई तरीके से बधाई देता हूँ आज। हाँ, लेकिन अगर आप तमीज से आए, तमीज से, क्योंकि मुझे पता है आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं, आप थोड़ा आराम आराम से आएंगे, गेट खोल दे आराम आराम से और लाइन लगा लड़की। जीतोगे जीतोगे जीत जावांगे, मेरी शैतान उते। ओए झूठ बोल के नहीं आना, बच्चे जिन्नी के पास है वो ही नहीं आ, वो बस बाकी नहीं। मेरी शैतान अशोक इन सबको उधर बिठा दिया, ऐसे लंबा फते पावांगे। जीतोगे जीतोगे जीत जावांगे, भुक देशी वांगो मेरी फिरे बालिदा खंबा। सुन, मैं इसीलिए आपको बुला नहीं रहा था, आप क्वायर की बात नहीं मान रहे। मैंने कहा कैसे मिलेगा, जैसे मैंने उस दिन पानी पिलाया था वैसे ही बीच में आऊंगा। पीछे जाओ फटाफट अपने जल्दी लेडीज पीछे जाओ। औरतें अपने हाथों को उठाओ, बोलो हम नहीं सुधरेंगी। जो नहीं सुधरना चाहती, फिर से को जीतोगे। अभी गवाही वाले बैठे रहो सिट डाउन गवाही वाले। हाँ, फिर से को जीतोगे जीत जावांगे, जितांगे सानू यसू संभाल दो, मुख दशी मंगू वैरी फिर पाल दो, हेठा रखे सानू यसू संभाल दो। अपनी बना थैंक यू लॉर्ड। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। आप सुनते हैं हर संडे गवाहियां के 100 लोग यहाँ पर आकर गवाहियां देते हैं हर संडे के, मेरे पास बेटा नहीं था 10 साल, 5 साल, 40 साल, परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया, मैं माँ बन गई हूँ। बोलो हालेलुया। आपके लिए अब ये आशीष का वर्ष होगा। अपने हाथों को उठाऊं और उसी समय कहूं कि परमेश्वर मैं इस साल, अपने हाथ में कुछ न रखो, अभी इसी समय अपने हाथों को ऊपर करो, बोलो आंखें बंद करो अपनी और उसी समय कहूं कि परमेश्वर मैं इस साल आशीष पाना चाहती हूं। हाँ, दो सेकंड के लिए प्रार्थना करो अपने लिए। अबलाबा शबलाबा हे, ऊपर करो हाथ ऊंचे करो और प्रार्थना करो अपने लिए इसी समय परमेश्वर आशीषों के लिए खोल रहा आपको, खोल रहा
रबा 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 सना रबा 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 सना कर तेरे चरणों में सजदा करता हूँ तुझे। परमेश्वर इस ईस्टर पर आज इन बहनों को आशीष दे पवित्र आत्मा। प्रभु मैं तेरा दास होने के नाते, मैं भविष्यता होने के नाते आज इनके लिए भविष्यवाणी करता हूं पवित्र आत्मा जी। ये वसंत ऋतु में गर्भवती होने पाए यीशु मसीह के नाम में, मेरे प्रभु वो आशीष ने मिलने पाए। जो रुकावटें हैं सालों साल से, मैं उस शराब को इनके ऊपर से फोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में, टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय आशीष आने पाए। मैं विश्वास करता हूं कि आपको प्रभु ने छू लिया है और बड़ी बरकत के साथ भरा है यीशु के नाम में, बोलो आमीन। क्या आप मुझे देख सकते हैं, स्माइल कर सकते हैं? क्योंकि मैं कई बहनों को जब देख रहा था, मैंने आंख खोली तो आप बच्चे को चुप करा रहे थे कुछ औरतें, यस आमीन, कुछ बच्चों को चांटे लगा रही थी चुप कर। मैं इसलिए हंस रहा था क्योंकि प्रभु आने वाले फ्यूचर को दिखाता है। कुछ औरतें थप्पड़ लगा रही थी, पहले मांगती हैं फिर उसको पीटती हैं। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। ओहो कैसे संभालूंगी, ऐसे दिन आने वाले हैं। क्या विश्वास करते हैं आप? आपको विश्वास नहीं है, हम बुला लेते हैं किसी को भी, हाथ नीचे करो, हम देख रहे हैं किसी को। सुनो इधर लल सुन, आज इधर हमारी बाजू में आ जाओ, बस इधर खड़े रहो, बस माइक कर दे इसके सामने। हाँ सुनो, बच्चा चाहिए आपको? यस। कहाँ से आए हो? मैं पूना महाराष्ट्र से। कभी मिले हो हमको? नहीं कभी नहीं। राधा कौन है? मैं हूँ। हालेलुया, तू हमारे बीच में। हालेलुया, सुन रहे हो? इसका कृष्णा आज नहीं आया? आया है मेरे मिस्टर। हाय, उंगली नहीं करते ऐसे पति को। क्या नाम है उसका? हाथ जोड़ ले परमेश्वर के सामने। क्या नाम है उसका? करण सिंह। हालेलुया, इसका कृष्णा आया है। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करना है, बेटे होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जाओ जोर से तारीफ करो, शाबाश, ताड़ी बजाओ, ताड़ी बजाओ, ताड़ी बजाओ। किसके पति का नाम राजू है? राजू इधर आ जा, जल्दी 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 जल्दी। क्या नाम है तेरे पति का? राजू। माइक करो, सारे बोले हालेलुया। क्या नाम है? राजू। गुड न्यूज मिल रहा है यीशु मसीह के नाम में, गुड न्यूज। हमको कैसे मालूम? बोले हालेलुया। आप सबके लिए बोल रहा हूँ कि प्रभु आपको आशीर्वाद देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपको बिजली 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 बिजली, एक दूसरे का हाथ पकड़ो और इसमें बिजली का करंट लगेगा, करंट भाई बहुत सारों को करंट लगेगा। हट जाओ यहाँ से, ब्लैक मैंगो, ब्लैक ब्लैक एप्पल हटो। सारे बोले हालेलुया। उसको मुदर कर मुझ का यार। अब इसी समय आपको आशीष मिलेगी। कोई भी जन हो, देखो मैं बहुत सारी लेडीज के नाम बता सकता हूँ, टाइम नहीं है, लेकिन आपको पता है पवित्र आत्मा आपसे प्यार करता है। कोई जन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा आज जिसको बेटा ना मिले। चलो मैं आपकी नॉलेज के लिए नाम बोलता रहता हूँ फटाफट। सुनो हाथ नीचे करो, रानी को ना, रानी उसकी उसकी सास है, सास, रानी रानी रानी, हाथों को उठा। क्या नाम है? सास है। जोर से तारीफ करना, माइक लेके जा, माइक लेके जा, माइक माइक माइक। हाँ क्या नाम है? रानी मेरी सास का नाम है। राजा तेरा ससुर है, बच्चा हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। सुनो ऐसे मैं किसी को देख रहा हूँ, रेखा रेखा रेखा,
हाँ ऊपर उठो, बस हाथ ऊपर उठाओ, शव रेखा बच्चा हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। माई करता रहा बड़बड़ हाथ, क्या नाम है? हाँ रेनु 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 का रेनु 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 क्या नाम है? रीना। हाँ रीना रुनु रेनु क्या नाम है? रेनु रेनु क्या नाम है? जोर से बोल रेनु क्या नाम है? नेक्स्ट। हाँ देखो रेखा, मैं कह रहा हूँ एक नहीं चार रेखा है यहाँ पर, पांच रेनु है यहाँ पर, देखा आपने? आपको एक एक करके आपको बता रहा हूँ। पिंकी 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 पिंकी, एक हाथ उठाओ, दो तीन चार, देखो पांच, पांच जन पिंकी, सुन रहे हो? आपके आपके नाम परमेश्वर ने अपनी हथेलियों पर खोद रखे हैं, लिखे हुए हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना। बस आज ईस्टर का दिन है, आज गुड न्यूज मिलेगी आपको यीशु मसीह के नाम। आज क्या मिलेगा? गुड न्यूज। ईस्टर के दिन आप खाली हाथ नहीं रहेंगे, बोलो हालेलुया। आप आशीषों को लेकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा मैं ज्योति को भी ब्लेस कर रहा हूँ, मैं मोनी को भी ब्लेस कर रहा हूँ, परमजीत को भी, जसविंदर को भी, मैं से देख रहा हूँ बहुत सारी ऐसे माँ बनने के लिए जा रही हैं, जिनके नाम जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं GNRSTMKN, बहुत सारी गुड न्यूज मिलेगी आपको यीशु मसीह के नाम में, आमीन। देखो बिजली, बिजली की सप्लाई कैसे होती है आपको पता है? सप्लाई सप्लाई है, आप किसी ने गलती भी करी होगी तो करंट भी उसको लगेगा, लेकिन आपने आप आज एक दूसरे को आशीर्वाद देकर जाओ, परमेश्वर आपके ऊपर दया करेगा यीशु मसीह के नाम में। हा 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 कम एयर कम एयर कम एयर। हाँ क्या बोल रही थी बताऊं? इधर ऊपर करके बोल, बोल माइक दे इसको। हाँ बोलो बोलो। छोटी मैं गल पूछ रही, बस एक रानी तो बेटा मांग रही है। हाँ जी पापा, यस पापा, यस पापा नहीं देना। क्योंकि मैंने नहीं देना ना, यीशु मसीह ने देना है। yes, पापा। विश्वास करती है ना? yes, पापा। मेरे परमेश्वर ने देना है। yes, गुड न्यूज गुड न्यूज। yes, जाओ जाओ शाबाश। हाँ हाँ अपने हाथों को उठाओ, बीच में ऐसे डिस्टर्ब करने के लिए ना, हाथों को उठाओ। मुझे पता है मैंने सबके नाम लेकर बोल दिया था, पवित्र आत्मा जानता आपको, बार बार नहीं कहूं बेटे। उधर हाथ पकड़ो दूसरे को, शाबाश पकड़ लो पकड़ लो, जा बेटे जा शाबाश पकड़ ले, छोड़ दे अपने कागज। इस समय इधर उधर दाएं बाएं देखने का दिन नहीं, आज ये अपने हाथों को उठाओ और इसी से ऊंचे करो और आसमान की ओर देखो, ऊपर ऊपर देखो, आंख बंद मत करो, ऊपर देखो। और मैं तीन गिन रहा हूं और इसी समय आपको ऊपर से एक लाइट नजर आएगी, आज स्वर्गदूत आएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं तीन गिन रहा हूं, एक, जोर से बोलो यीशु, आज खुशी का दिन है, खुशी आएंगी, जोर से बोलो, दो तीन, ये देखो आ गया यीशु। पेट पे हाथ रखो, उठेगा नहीं कोई, पेट पर हाथ रखो, जिसको भी तकलीफ हो रही है मत डरो, एक दूसरे को दबा दो आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा इनका गर्भ, पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता तेरी आशीषों से भर जाए यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। और इसी समय आपको गुड न्यूज मिल रही है यीशु मसीह के नाम में, आप सब माँ बनने वाली हैं, उठकर एक दूसरे को बधाई दो आज यीशु मसीह के नाम में। के गले मिलो, जल्दी 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 एक दूसरे को बधाई दो, बधाई ऐसे नहीं देनी, बोलना है तेरे को दो बच्चे होंगे, किसी को तीन किसी को चार, बधाई दो शाबाश। क्या आप मजाक समझ रहे हैं मेरी बात? इनको सड़ने दो जो सड़ रहे हैं पीछे, तुम एक दूसरे को फिर से गले मिलकर बधाई दो, बोलो बधाई हो। दो बेटे होंगे, चार होंगे, पांच होंगे, आधी दर्जन होंगे, विश्वास करो यीशु सब कुछ कर सकता है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। सब कुछ कर सकता है परमेश्वर, सब कुछ कर सकता है।
आपके लिए सब कुछ होगा यीशु मसीह के नाम में। जिसका एक ले लिया, दो ले लिए, वापिस देगा परमेश्वर गुड न्यूज के साथ। कोई मुझे ऑनलाइन सुन रही है, देश में बैठी है, उसके बच्चे की डेथ हो गया था, परमेश्वर तेरी गर्भ को फिर आफल दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। उधर सामने ग्रिल की तरफ बैठना, ये सामने मेरे सामने छोड़ देना स्टेज, उस साइड बैठो। चलो शाबाश। नाली है ओ नाली है, यहोवा तेरे नाले है। नाली है ओ नाली है, यहोवा तेरे नाले है। सके है यहोवा ता किसे दी क्यों पालेगे, के सके है यहोवा और शांति के साथ सब लोग बैठ जाएं, जोर से ताड़ी बजाएं, बैठ जाएं, शाबाश। पवित्र आत्मा आपका परमेश्वर है, वो आज शांति आपको दे चुका है। कितनों को शांति मिली है, फिर क्यों बकबक कर रहे हो? आराम से बैठो। सारे बोलो हालेलुया। परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। किसका परमेश्वर है? हाँ, सारे बोलो हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों को गुड न्यूज मिलेगी। अगर आप शांति रखें तो गवाही सुने ध्यान से। हाथ उठाना नहीं बेटे, बैठ जा, मैं तेरे पास आऊंगा, मैं बैठ जा। क्या बात है बब्बू, हैं? नहीं, आज तू ज्यादा सुंदर लग रही है, तू पीछे बैठ जा, बैठ जाइए, निकाल दे इसको बाहर यार, बिठा दे। हाँ हाँ, शाबाश शाबाश, गवाही के साथ हालेलुया। प्रॉफिट जी, अमेजिंग टेस्टिमनी है। ये बहन बता रहे हैं, काफी समय से ये कनाडा वीजा के लिए ट्राई कर रहे थे, नहीं लग पा रहा था, चर्च आए, कनाडा वीजा आ गए। नची नची के, नची नची के, आज नची नची। हालेलुया। प्रभु जी, इनकी अगली गवाही है। हाँ। इनकी बेटी कनाडा में है, काफी साल से बेटा मांग रहे थे, नहीं हो पा रहा था, चर्च से स्पेशल लेहन प्रेयर करा के गए, कनाडा के अंदर उनको बेटे की ब्लेसिंग मिली है। बोले नची नची नची। इनकी एक और गवाही है, बता रहे हैं इनके बेटे की अमेरिका में पीआर हो गया। बोलो हालेलुया। मेरी बात सुनो, शर्माओ नहीं, आज मेरा कोट थोड़ा टाइट है, आज नाचा नहीं जा रहा। तुम नाच सकते हो, तुम्हारी खुली छुट्टी है। सारे बोलो हालेलुया। देखो आपके सामने है ये परमेश्वर है। इस लेडीज के बारे में मैं बता रहा हूँ, बाकी शांत हो जाओ। लड़की गवाही वाली, बेटे बोलना नहीं है। सुनो, देखो, मैं जब पंजाब में पहली बार आया था, नकोदर से आया। हाँ जी, मैं उद्दवार मैदपुर के लग गए, मैदपुर के लग गए, उधर ही मैदपुर के पास। मैंने इसके बेटे के लिए भविष्यवाणी किया था, एक बहुत बड़ा क्रूसर था। बैठ जा, बैठ, चुप हो जाओ।
मैंने इसके बेटे के लिए भविष्यवाणी किया था, आज से 10 साल हो गए कि नहीं, 2015 3 जुलाई 2015 हाँ 10 साल के करीब, 24 चल रहा है, और सबके सामने बुलाकर पहली बार वो सरदार था, सरदार जी है ना, और वो उसको बुलाया और उसको कहा था कि नागरा, हाँ जी क्या नाम है, हालेलुया, हाँ जी नागरा ही कैसे, नागरा ही कैसे, हालेलुया। और तो कहा था तू अमेरिका जाएगा, और उस समय उसकी माँ भी सोचती थी कुछ नहीं करता ये, हाँ जी बिल्कुल जी। और उसके बाद अमेरिका चला गया और आज ये आई है गवाही देने, प्यार आ गई है, प्यार वॉलंटियर बैठ जा, वॉलंटियर वॉलंटियर सुन कोई बात नहीं बैठ जा, माता थी बैठ जा, हूँ गेट नहीं खुलेगा बैठ जा, ध्यान ना अब इसी समय आप सुने ध्यान से, ये परमेश्वर है, कितने साल से जुड़ी हुई है चर्च के साथ, और एक नहीं तीन तीन गवाहियां लाई है, अगर आप ईमानदार हैं इस मिट्टी के साथ तो ये मिट्टी भी आपके साथ ईमानदार है, याद रखना। अलीशा को पता था और नमान को भी पता था, और नमान जब चंगा हुआ तो उसने अलीशा को कहा यहां से मिट्टी दे दे मेरे को, बोला हालेलुया, आज कहां की मिट्टी लेके जाओगे, हालेलुया। सुनेंगे गवाही, सुनेंगे बहन की, हालेलुया हालेलुया, जवाब दो हालेलुया, कोई हेलो करे और तुम आगे से बोलो ना, कितना गंदा लगता है, जोर से बोलो हालेलुया, हाँ शाबाश। पापा को जय मसीह की, सारी कलीसिया नु जय मसीह की। पहली गवाही है जी, मैं क्रिसमस डे ते मैं बीज बोया सी ते गोपती बोता सी जी, ते प्रॉफिट जी 30 दिसंबर नू 31 दिसंबर नू सवेर नू मेरे सुपने में आए, कहिंदे खुश हो भी 2024 तुहाडे लई बहुत वधिया होणा आ, हालेलुया। पहली फरवरी नू मेरी बेटी दे बेटा होया, 18 मार्च नू मेरी बेटे दी अंगेजमेंट होगी, नाले पक्का हो गया, पीआर हो गया अमेरिका च। तीसरी गवाही मेरी है जी, 21 मार्च नू मैनू उत्थों मैसेज आ गया, मैसेज चो तुहाडा वीजा लग गया, अपना पासपोर्ट लै जाओ, हालेलुया। 24 साल के बच्चे जी मैंने 3 वलीसा मिली, असं प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, थैंक यू जीजस, हालेलुया। देखो आपके सामने बता रही है कि 2024 चढ़ते ही इसको रात को ड्रीम आया और उसमें प्रभु ने मेरे द्वारा से बात किया, इसका मतलब वो एंजल थे और इसको बता कर गए, तो आपको ये साइन होता है कि परमेश्वर मेरे द्वारा आपकी जिंदगियों में आशीषें दे रहे, यीशु मसीह के नाम। और आपके सामने तीन तीन गवाहियां, अमेरिका की आशीष मिली, बेटे की आशीष मिली, और स्पेशल लैंड प्रे कराई थी आपने, हाँ जी। और परमेश्वर ने आपकी बेटी को बेटा दिया, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह का। बल्ले 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 आज ते हो गई, बल्ले 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 आज ते हो गई, बल्ले बल्ले आसमाना दे उते थले, आसमाना हाथों को उठाओ, बोलो कि और किसी का ना ना चले, आसमाना दे उत्ते थले, क्या पे दोबारा से बता, आसमाना दे उत्ते थले, आसमाना दे उत्ते थले, अपने पड़ोसी को बोलो आसमाना दे उत्ते थले, ना तेरे प्यो दा, ना तेरी मां दा, ना तेरे परिवार दा, ना तेरे भरा दा, ना तेरे जोटा दा, ना तेरे गां दा, ना मज दा, किसी दा ना ना चले, सिर्फ यीशु का नाम चले। फिर से बोलो 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 बोलो, आसमाना दे उते थले, आसमाना दे उते थले, और किसे दा ना ना चले, हां बल्ले 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 आज दे हो गई, बल्ले 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 आज दे हो गई, बल्ले बल्ले। अपने हाथों को उठाओ और से तारीफ करो, शाबाश। नेक्स्ट गवाही के साथ हालेलुया, प्रभु जी बहन बता रहे हैं काफी समय से कनाडा वीजा के लिए ट्राई कर रहे थे, नहीं लग पा रहा था, चर्च आए, स्पेशल ले हैंड प्रेयर करा के गए, आज गवाही के साथ आए, कनाडा वीजा आ गया, हालेलुया। नच के नच नच के आज नच नच जश्न मनावांगे, हेलो नच नच के नच नच
करें, शाबाश, सब अपने स्थान पर बैठ जाओ, जो बाहर जाना चाहते हैं बैठ जाओ, सारे बोले हालेलुया। आपके सामने गवाही सुनेंगे, शाबाश। हाँ हाँ, फड़ ले अपने अपने फड़ ले। जैमसी की प्रॉफिट जी, जैमसी की कलीसिया। हाँ हाँ, मेरी गवाही ये है कि मैं काफी समय तो कैनेडा दे वीजे दी ट्राई कर रही थी, पर 25 दिसंबर नू क्रिसमस वाले दिन मैं प्रॉफिट जी तो स्पेशल बीज बो के ले हैंड प्रेयर करवाई और 20 दिन दे विच विच मैं कैनेडा दे वीजे नाल ब्लेस हो चुकी हूं। ओनली फॉर 20 डेज शादी हो गया आपकी? हस्बैंड कहाँ है? हाँ जी आइया। हाँ जी, और देख लो भाई साहब, अभी कनाडा भी नहीं गया, हस्बैंड का क्या हाल कर दिया देख लो लेकिन खुशी ऐसी खुशी होती है भाई साहब शादी के बाद कि आपके सामने देख लो भाई साहब, अंगूर, केले, सेब, संतरे सब लाया। आजकल तो भाई साहब जो ताई मासी चाची होते हैं वो तो एक दर्जन केले में थक जाते हैं, कौन इतनी दूर लेके जाए। सारे बोला हालेलुया, ये परमेश्वर है, बोला हालेलुया। हालेलुया। कनाडा का वीजा आया, कनाडा का कहाँ से आए आप? मोगे से आए हो, मोगा पंजाब से आए। मैं फिर कर रहा हूँ, जिसके पास बाहर के वीजे नहीं है, पीआर नहीं है, आ जाना मेरे चर्च में, गुड न्यूज मिलेगी चर्च। दिता जो आनंद सुने जावे ना किसे तो खोया, जिसको गर्मी लग रही है बैठ जाओ। देखो आज कितने लोग इतनी गर्मी में भी आप लोग कैसे झूम रहे और नाच रहे हैं, विश्वास कर रहे हो कि नहीं? परमेश्वर आशीषों का परमेश्वर है। आज ईस्टर के दिन मैंने कहा था नए कपड़े पहन कर आना, सारे बोला हालेलुया। और तो कोई पहन के आया नहीं आया, हमारी क्वायर पहन के लश्कारे मार रही है, उनकी जैकेटें ऐसी चांदी वाली है, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूँ आपको, अपने हाथों को उठाऊं और बैठ जाऊं। बेटे बैठ जाओ, अपने हाथों से खड़े होकर अपने हाथों को खड़े करना, बस बैठ जाओ। सुनना ध्यान से कि विश्वास करने की बात है, कुछ लोग खुदा के घर में तैयार होकर नहीं आते। जब आप नहाते नहीं है, कपड़े नहीं पहनते अच्छे, अगर आपके पास दो कपड़े हैं तो कम से कम धो के दोबारा प्रेस करके तो पहन सकते हैं, है? मेरी तरह सारे बोलो हालेलुया। तो आपको विश्वास करना है, आपको तैयार होकर आना है। जब एक व्यक्ति एक नया सूट डालता है तो उसको लगता है कि मैं कहीं जा रहा हूं आज, लगता है कि नहीं? जब आप नए नए दुल्हन वाले जोड़े पहनते हैं तो आपको लगता है कि आपको घर से निकाल दिया है, है लगता है कि नहीं? तो आपको नए कपड़े पहनना, कहते नए तैयार होकर जाना, तो ईस्टर के दिन, गुड फ्राइडे के दिन, क्रिसमस के दिन, तीन ही खर्चे हैं आपको आपके पति की जेब खर्च करवाने के लिए, काफी हैं। लेकिन जिस दिन आप तैयार होते हैं तो आपकी आत्मा में खुद महसूस होता है। लेकिन ऐसे ही कह रहे कि आपके मन के वस्त्र भी हैं, जिन्होंने अपने मन के वस्त्र धो लिए, परमेश्वर कहता है उन्हें स्वर्ग राज्य में जाने का प्रवेश, स्वर्ग में जाने का प्रवेश मिलेगा। क्या तैयार हैं आप? Yes. सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। हां, नेक्स्ट कमाई के साथ। हालेलुया। प्रोफेट जी माता बता रहे हैं, काफी समय से इनकी बेटी यूके वीजा के लिए ट्राई कर रहे थे, नहीं लग रहा था, चर्च आए, अपने प्रोफेसी क्या था नाम लेके स्पेशल लेहन प्रेयर करा के गए, आज गवाही के साथ आए, यूके वीजा गया। हालेलुया। आपने सुना यूएसए, कनाडा, इंग्लैंड, कोई कंट्री ऐसी नहीं छोड़ेंगे, जाम नहीं बेच सकते आपको, बोला हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रभु में सामर्थ है, वो सामर्थ आज रात आपको मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। हां, सुनेंगे गवाही, सुनेंगे। बेटे कहां से आए? पापा जी, असि लुधियाना जिले तो आए हैं, असि प्रोफेसी नु रिसीव कीता
प्रार्थना करवाई प्रभु मेरी बच्ची का यूके का वीजा आ गया तो मेरी बच्ची लई पापा जी तुसी प्रोफेसी की सी रूबी नाम वालिया नू प्रभु रिश्ते जा रहा प्रभु दो बार ही ना लिया प्रभु मेरी बच्ची का बहुत वधिया घरे रिश्ता होया परमेश्वर जोर से तारीफ करो शाबाश यूके का वीजा आया और बता रही हाँ नेक्स्ट 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 कमाइयों के साथ फटाफट मैं फिर कह रहा हूँ जिनके नाम जी एन आर एस पी के एल से हैं मैं कह रहा हूँ ए से हैं डी से हैं वी से बी से ये ईस्टर पर आशीष है आपके गुड न्यूज मिल रही है फौरन जाने के लिए ये साल आपका एक बात और बता रहा हूँ आपको जितने विश्वास करते हैं क्या मैं आपके लिए भविष्यवाणी कर सकता हूँ विश्वास करेंगे yes. कैसे करेंगे बाइबल बोलती है गाल बजाने वाला नाश हो जाता है इसलिए गाल बजाना छोड़ो विश्वास करना है आज से बोलना नहीं है विश्वास करना है बस पवित्र आत्मा ने मुझे कहा 2024 आपके लिए खासकर इंडिया के लिए बेदारी का साल है बेदारी Amen. आपके लिए जहां मर्जी जाओ गुड न्यूज 25 घर बैठने का साल है yes, हालेलुया घर बैठकर प्रेयर करना है बहुत सारे बम गिरने वाले हैं हां जी सुनेंगे हालेलुया प्रभु जी बहन बता रहे हैं इनके ब्रदर को 13 साल से बेटा नहीं हो रहा था बहुत जगह गए कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ा ऑस्ट्रेलिया में अपने लाइव में प्रेयर किया था आपसे स्पेशल लेहन प्रेयर कराई फोटो के ऊपर आज गवाही के साथ आए ऑस्ट्रेलिया के अंदर बेबी बॉय की ब्लेसिंग के लिए तालियां बजाओ गवाही नहीं सुना रहा हूं तुम्हें जला रहा हूं तुम्हारे पास बेटे नहीं हो सुन लो गवाही एक दिन तुम भी इनके साथ लाइन में खड़े होंगे yes. हाँ 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 शाबाश जेम्सी की पापा जी लेकिन उन्होंने ज्यादातर स्पेशल हाँ हाँ सुनेंगे जेम्सी की पापा जी सारी क्लेसिया नु जेम्सी की हैप्पी ईस्टर डे सबको पापा जी नु भी पापा जी मेरी बहुत बड़ी गवाही है कि मेरे ब्रदर के पास कोई भी बेबी नहीं था 8 साल की बेटी के बाद कंसीव नहीं कर रहे और उन्होंने ताजपुर चर्च स्पेशल ले हैंड प्रेयर करवाई और आज सुंदर बेबी दे नाल ब्लेस हो चुके ने प्रभु मैं नचांगा मैं गावांगा मैं नचांगा ऐसे नहीं ऐसे समझा तू नचेगा मैं गावांगी तू नचेगा मैं गावांगी दुनिया दी परवाह नहीं मैनू दुनिया दी परवाह नहीं मैनू दुनिया दी परवाह नहीं मैनू यसू दा शुक्र मनावांगा नचेगा जो नाच रहे उनके घर भी खुशखबरी आ रही है यीशु मसीह का नाम बैठ जाओ शाबाश परमेश्वर आशीष दे हाँ 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 आप सुन रहे थे अभी कहां से आए थे ये अमृतसर से और बता रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए उन्होंने ले हैंड ब्रेक कराई अपनी बहन के लिए और गुड न्यूज मिल गया कितने लोग गुड न्यूज चाहते हैं आज सब कुछ होगा मत डरो मैं फिर कह रहा हूं अपने पड़ोसी को बोलो डर मत विश्वास रख आपको फिर कह रहा हूं अपने पड़ोसी का हाथ पकड़ के झटक दो बोलो डर मत कोई शैतान आपको डरा रहा है कुछ नहीं बिगड़ेगा सब दिन अच्छे होंगे सब दिन अच्छे होंगे कोई फायदा होगा कोई भलाई होगी परमेश्वर की हाँ नेक्स्ट 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 हालेलुया प्रभु जी भाई बता रहे हैं इनका बेटा काफी समय से कनाडा वीजा के लिए ट्राई कर रहे थे और बेटी गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे नहीं लग पा रही थी चर्च आए स्पेशल लेहन प्रेयर करा के गए बेटे का कनाडा का बेटी को गवर्नमेंट जॉब अरे ई का है भैया
कमाल हो गया, धोती कुर्ते वाले पर भी दया करता है यीशु। हाँ सुन लो भाई साहब, हरियाणा से है हमारा, हरियाणा दूध दही का खाना सबसे बढ़िया हमारा हरियाणा, पर कौन खा गया हमारा सारा खाना, इसका नाम है हरियाणा। आप देखो आपके सामने हरियाणा से आया, और हरियाणा के लोग जल्दी से विश्वास नहीं करते। जब मैं हरियाणा में था विश्वास नहीं करते थे, मुझे पंजाब आना पड़ा, और जब मैं पंजाब आया हरियाणा के पीछे पीछे सारे बोलो हालेलुया। तो ये देखो आपके सामने कितनी अद्भुत गवाही है। पहले मैं से पूछ रहा हूँ, आप करते क्या हो? खेती करते हैं सर। खेती करता है, किसान है। कितनी जमीन है आपके पास? 14 किलो। भाई साहब 14 तो मेरे मारे द्वारा भी नहीं भाई। अच्छा ठीक है ठीक है, ओके ओके। नहीं नहीं ज्यादा है मेरे पास 1400 किलो। हाँ 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 आमीन, अच्छा बोलेंगे ना, बोलो हमारे पास 1400 किलो हैं। बताना पड़ेगा कहीं इनकम टैक्स वाले आ जाएं, हम विश्वास से बोल रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। हाँ एक बार मैंने ऐसे बोला हमारे पास हेलीकॉप्टर है, वो सच्ची में आ गए। खैर यार देखिए कहाँ पे है, आप सुनो, देखो सुनेंगे गवाही सुनेंगे। हाँ बेटे बताओ। पापा जी जय मसीह की, सारी ग्लेशियर जय मसीह की। मैं डिस्ट्रिक्ट जींद हरियाणा से, मेरी सबसे बड़ी गवाही है, बात कर। काफ़ी दिन से मेरा बेटा बीजे के लिए ट्राई कर रहा था, लेकिन पिछले 12वें महीने में मैं क्रिसमस डे पे बेटे को यहाँ लेके आया था, और वहाँ प्रार्थना करवाई, प्रार्थना से उसका वीज़ा लग गया, और बेटी को भी गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिली है। देखो आपके सामने बता रहा है कि स्पेशल लैंड प्रे कराया, गवर्नमेंट जॉब की बेटी को आशीष मिली, और कितने बच्चे हैं आपके? 2 ही, और दोनों ही कामयाब हो गए। थारा भला हो जा, अपने पड़ोसी को बोलो थारा भला हो जा। अब पड़ोसी को बोलो हमारा भला कब होगा? इसके थे 2 थे, दोनों लग गए, लेकिन कारण इसने स्पेशल लैंड प्रे कराया। अपने पड़ोसी को बोलो कंजूस मक्खी चूस, तू भी लैंड प्रे करा ले। सुन रहे हो, 2 बच्चे, दोनों एक गवर्नमेंट जॉब और एक कहां चला गया? कनाडा में। आप कितने पढ़े लिखे हो? प्लस टू, जो तो हमारे से ज्यादा पढ़ा हुआ है। देख लो, लेकिन इसका विश्वास था कि मैं ले एंड प्रे कराऊंगा। क्या पहले आपने पैसे लगाए, कहीं भी ट्राई किया, बना कोई काम? नहीं बना। कितने टाइम पैसे लगाए काम बनने के लिए? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए इसने पैसे दिए इधर उधर एजेंटों को, कितने खराब कर दिए थे? 6-7 लाख रुपए खराब कर दिए। 6-7 लाख रुपए खराब कर दिए, और यहाँ कितने इसने यहाँ विश्वास से बीज बोया, खराब नहीं हुए, फल लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी से हाथ मिला, बोलो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। अब मेरे साथ बोलो, आपको सिखाने की बात बता रहा हूँ, जितना बोएगा उतना काटेगा। समझ में आ गया? अब मुझे विश्वास है, अब 1 रुपए की सिक्का नहीं आएगा गले में, जितना बोएगा उतना काटेगा। अब पड़ोसी को बोलो जिदा बोलेगी उतना तक कटेंगी, जिदा दा बोलोगे उतना तक कटोगे। तो आपको नेगेटिव नहीं बोलना, पॉजिटिव बोलना है, मैं कुछ कर सकता हूं, मेरे परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। बोलो आमीन। नेक्स्ट गवाही के साथ। हाँ हालेलुया। प्रवृत्ति भाई बता रहे हैं, काफी समय से इनका बेटा इंग्लैंड में पीआर के लिए ट्राई कर रहे थे, नहीं मिल पा रही थी, अब से स्पेशल लेहन प्रेयर करा के गए, इंग्लैंड में पीआर आ गया। अच्छा मेरी बात सुनो, एक आदमी कमेंट कर रहा था, कहता है प्रॉफिट विजेंद्र का तुक्का लग जाता है, बैठो। किसी ने मुझे बताया, लेकिन आप देखो एक जर्मन पे बैठा, वो जर्मन से आया, चेयर पे बैठा उधर, आपने पिछले संडे उसकी गवाही सुना था, उसकी साले की पीआर आ गई अमेरिका में। अभी आप सुन के गए, एक आपके नकोतर से उसकी पीआर आ गई। ये कहाँ से आए? पोंकपुर, पंजाब लाके। पोंकपुर में तुम्हारे इलाके च गया हुआ? पोंकपुर, पोंकपुर में गए। देखो आपने कहीं भी भोग लगाया हो लेकिन कुछ नहीं मिला, जब आप यहाँ पर आए इन्होंने स्पेशल लैंड कराया, और देख आपके सामने है इंग्लैंड में पीआर। क्या
मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, जर्मनी में बहुत मुश्किल है, लेकिन आपके सामने इंग्लैंड में प्यार आ गई यीशु मसीह के नाम में। के कितने लोगों ने आज बताया, चार लोगों ने बताया कनाडा के वीजे आ गए, इंग्लैंड के वीजे आ गए। ये परमेश्वर है, ये तुक्का नहीं है। हर संडे परमेश्वर काम करता है, काम करता है। ये घुटने आपके लिए प्रार्थना करते हैं, याद रखना यीशु मसीह के नाम में। टिकते हैं धरती पर एलिया की तरह, आपको विश्वास करना है, अगर आपके घुटने एलिया की तरह टिकना स्टार्ट करें तो आपको, मैं फिर कह रहा हूँ, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके घर गवाहियों का ढेर लगा होगा यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो तेरा बोरा भर जाए आज, गवाही देंगे शाबाश, शाम बताएंगे शाबाश। बोलो बेटे कहाँ से? हम भोपुर से आए हैं। हाँ हाँ। सबसे पहले मैं प्रभु जी का धन्यवाद करती हूँ, प्रॉपर्ट जी का धन्यवाद करती हूँ, सपना मैडम का धन्यवाद करती हूँ, कलीसिया को, सबको जेमसी की बोलती हूँ। प्रभु जी ने मेरे साथ बहुत बड़ा काम किया है मेरी जिंदगी दे विच। मेरे बेटे का इंग्लैंड का वीज़ा लगा है, बस पूरे विश्वास के नाल चर्च विच आंदे सीगे, ले हैंड प्रेयर भी करवाया, तो जल्दी ही मेरे बेटे का इंग्लैंड का वीज़ा लग चुका है। प्रभु मेरे बेटे ने बाहर ले जा चुका है, सबसे उसको ब्लेसिंग मिल चुकी है, वो जूके के अंदर जा चुका है। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह का। मरंदा यार मेरा यीशु, मेरा दिलदार मेरा यीशु, करें लाइन ही ऐसी थी, उठना पड़ा हमें। बोलो हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? सिंगर ने लाइन ऐसी गा दी, हमें उठना पड़ा। हालेलुया। कह रहे यार, फिर से गा, यार यार दा यार मेरा यीशु, बैठे बैठे मेरा दिलदार मेरा यीशु। सुनो सुनो, एक बात बताता हूँ आपको। कुछ लोग सोचते हैं आराधना करना अच्छा नहीं है। जितना आप आराधना करते हैं, मैंने क्या बताया आकर, परमेश्वर उनके बीच में चलता फिरता है। आप जब प्रार्थना कर रहे हैं वो चलता फिरता नहीं है, वो आपके सिर पर हाथ रखता है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं वो आपके साथ बैठता है। जब आप आराधना कर रहे होते हैं और नाच रहे होते हैं, गा रहे होते हैं,